मैं समस्त देवरिया वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और खासकर ये 21 जून जो कि इस क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा दिवस होता है, उस दिन आज हम लोग देवरिया जनपद के इस स्टेडियम प्रांगण में योग दिवस का आयोजन किए हैं। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा, यहाँ पब्लिक ने भी बढ़ चढ़ के भाग किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की 10 वर्ष पूर्व विश्व को एक ये अनुपम देन है कि मतलब एक स्वस्थ जीवन की जो दिनचर्या हो सकती है उसमें एक अभिन्न योग जो है एक अभिन्न अंग है। अगर हर आदमी योग को अपने जीवन में आत्मसात करे, जो स्वास्थ्य है आपका जो कि शारीरिक स्वास्थ्य है साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य, वो दोनों उत्तम होंगे। क्योंकि योग शब्द में ही अगर योग का मतलब देखें तो जुड़ना होता है, तो ये सबको जुड़ने की ताकत रखता है। समस्त जनमानस जुड़ जाएगा तो समाज जुड़ेगा, समाज अगर जुड़ेगा तो उसकी प्रगति होगी, अगर समाज की प्रगति होगी तो देश की प्रगति होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वप्न है कि उत्तर प्रदेश जो है एक विकसित अर्थव्यवस्था बने और भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था बने, उसमें योग जो है एक माध्यम बन सकता है। मैं पुनः आप सब लोगों को योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.